कि सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। सरना धर्म कोड का मामला भारत के प्रकृति पूजक आदिवासियों के अस्तित्व पहचान हिस्सेदारी का अहम मामला है। 2011 की जनगणना में भारत के प्रकृति पूजक आदिवासियों ने लगभग 50 लाख की संख्या में सरना धर्म लिखा। हिंदू मुसलमान ईसाई आदि बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों दोषीदार हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद और आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू जी। आप लोग लंबे समय से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक जो है वो मांगें पूरी नहीं हुई है। आगे 8 नवंबर को जो एक बड़ा आयोजन आप लोग करने जा रहे हैं, क्या मूल मकसद है इसके पीछे और किस तरह से इसको आगे ले और बढ़ाएंगे? सरना धर्म कोड का मामला भारत के प्रकृति पूजक आदिवासियों के अस्तित्व पहचान हिस्सेदारी का अहम मामला है। 2011 की जनगणना में भारत के प्रकृति पूजक आदिवासियों ने लगभग 50 लाख की संख्या में सरना धर्म लिखा, जबकि मान्यता प्राप्त धर्म जैन वालों ने 44 लाख लिखा। तब भी अभी तक हमको ये मान्यता नहीं दी गई है। ये हमारी धार्मिक आज़ादी के ऊपर में गला घोंटने जैसा है, और ऐसा करने से हम आदिवासी को जबरन हिंदू मुसलमान ईसाई आदि बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों दोषीदार हैं। 1951 तक आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोलम था, उसको बाद में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हटा दिया, और अभी भाजपा आरएसएस वाले जबरन हम आदिवासियों को हिंदू का ठप्पा लगा रहे हैं। तो ये भाजपा वाले यदि ऐसा करेंगे तो इससे इनको नुकसान होगा। आदिवासी ईसाई बनने के लिए प्रेरित होगा, और इसका लाभ बल्कि भाजपा वालों को लेना चाहिए। सरना धर्म कोड की घोषणा अभी यदि 2023 में भाजपा करेगी, सरकार में इन लोग हैं दिल्ली में, तो इससे इनको प्रचंड समर्थन झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिल सकता है। दूसरी तरफ अभी हाल में अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक बेतुका बयान, भ्रामक बयान सरना धर्म कोड के खिलाफ दिया है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। मगर सुदेश महतो अच्छू पार्टी के अध्यक्ष ने सरना धर्म कोड का समर्थन किया है। 8 नवंबर को हम लोग मोरहाबादी मैदान रांची में देश विदेश से लाखों लोग आएंगे, एक बड़ी सभा करेंगे, और वहाँ से महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग ललकारेंगे कि सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। उस बड़े विशाल जनसभा में हम लोग 3 लोगों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करने वाले हैं। एक तो सरना धर्म गुरु बंधन तिगा जी, दूसरा सुदेश महतो जी, और तीसरा आसाम आदिवासी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन असीम हस्ता जी। इसके अलावे आदिवासी समाज में संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज, बिरहोड़ जितनी जातियां हैं, जो लोग सरना धर्म कोड के लिए काम कर रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, और बहुत सारे ये जो मीडिया के भी साथी हैं, इन सबको लगभग 100 की संख्या में हम लोग कोशिश करेंगे आमंत्रित करेंगे जनसभा में और सम्मानित करेंगे। तो अभी यही हमारा उद्देश्य है। तो बीजेपी जबकि ये कहती है कि हम आदिवासी हितेशी हैं, देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति पद के लिए भी उन्होंने आदिवासी चेहरा को चुना, एक महिला को वहाँ पर सम्मानित पद पर बिठाया, तो फिर ये सरना धर्म कोड के मामले में क्यों आखिर बीजेपी देरी करे? आपको क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी नहीं देना चाहती है? क्या इसके पीछे हो सकता है? देखिए, इसके पीछे मुझे जो समझ में आती है, बीजेपी वाले या संघ वाले कभी कभी कहते हैं कि सरना धर्म कोड आंदोलन के पीछे में चर्च का हाथ है। पहले भी ये लोग ऐसे ही कहते थे, झारखंड अलग राज आंदोलन के पीछे चर्च का हाथ है। आखिर झारखंड राज्य भी बन गया, और बीजेपी एक प्रकार से अपनी षड्यंत्र कहिए या नासमझी पर बेनकाब हो गए। तो अभी भी ये जो हट है कि हम लोग आदिवासी को हिंदू ही बनाएंगे, तो आदिवासी हिंदू है नहीं टेक्निकली। हिंदू मैरिज कानून जो है 1955,
और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, उसमें आदिवासी शामिल नहीं है। और आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं है, आदिवासियों का वर्ण व्यवस्था भी नहीं है। तो जिस प्रकार हिंदू के इर्द गिर्द जैन, बौद्ध और सिख हैं, तो और एक सरना को भी इन लोग गले लगा सकता है, दोस्त बना सकता है। तो ये सद्बुद्धि इनको नहीं आ रही है, और इसके चलते हमारा आज आरोप है कि भाजपा और आरएसएस के कारण आदिवासी ईसाई बन रहा है। जेएमएम यहाँ पर सरकार में है, जेएमएम ने यहाँ से विधानसभा से पारित करके भेज दिया, लेकिन उसके बाद की और भी लड़ाई जेएमएम आगे नहीं बढ़ा रहे, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जेएमएम सभी फ्रंट में फेल हो चुका है। उसने जितने वायदे किए थे 2019 में, एक भी पूरा नहीं किया। 32 का खतियान, आरक्षण, नियोजन, अभी तो हमारे मरंगबुरु पारसनाथ पहाड़ को भी बेच दिया जैनों के हाथ। CNT SPT का घोर उल्लंघन करके पिता पुत्र नाम बदल के, बाप का नाम बदल के जमीन ले रहा है, उनके ऊपर में लूट झूट भ्रष्टाचार के अनेक मामले हैं। तो हमारी समझ तो ये है कि सोरेन खानदान का जब तक पतन नहीं होता है, आदिवासी का उत्थान असंभव है। तो इससे कोई उम्मीद नहीं है। अभी भी उम्मीद हम BJP पर करते हैं, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हम लोग के बीच में से है, सब कुछ समझती है। तो प्रधानमंत्री जी उनको राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर रखे हैं, तो कुछ सोचे हैं कि भाई आदिवासियों को करीब लेना है, साथ लेना है। तो अभी एक अच्छा सुनहरा मौका है, सरना धर्म कोड का घोषणा करें। भारत के 7 बड़े राज्यों में उनको बहुत फायदा आदिवासियों से मिलेगा, क्योंकि हमारे सामने एक तरफ JMM, कांग्रेस और लालू की पार्टी है। इनको तो अभी झारखंड में हम लोगों ने देख लिया है, तो विकल्प क्या है? BJP ही है। तो BJP भी मगर अपनी सोच में और अपनी चिंतन में सुधार नहीं लाएगी, तो मैं तो उन पर भी आरोप लगा रहा हूँ कि इनके चलते हमारे बहुत सारे लोग ईसाई बन जाएंगे। और BJP RSS वाले आदिवासी को वनवासी भी बोलते हैं, ये भी गलत बात है, कल वनमानुष भी बोल देंगे। तो ये सब इनको ठीक करना है। और दुर्भाग्य से BJP में जितने आदिवासी नेता हैं, एक प्रकार से वो आदिवासियों की बात नहीं बोलते हैं, वो RSS BJP की बात बोलते हैं। तो उससे आदिवासी उनके करीब जाएंगे कैसे? और BJP के पास नीति भी ऐसी नहीं है जो आदिवासियों को आकर्षित करे, उसकी रणनीति भी वैसी नहीं है। तो इसमें BJP को सुधार लाना चाहिए, अन्यथा हम आदिवासियों के लिए एक तरफ माने खाई है तो दूसरी तरफ वैसे ही खाई है। तो आप लोग, ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक पॉलिटिकल प्रेशर देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इस समय अगर हम लोग अपनी ताकत दिखाते हैं तो ये धर्म कोड जो है हमें मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल ये एक अच्छा मौका है, हम भारत के आदिवासियों को बचने बचाने का एक राजनीतिक मौका है। 24 में वोट है तो 23 में हम एकजुट होकर इसको एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना सकते हैं, और ये संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकार भी है। और इस मामले पर हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि 44 लाख वालों को आपने मान्यता दे दिया है, अब 50 लाख वालों को क्यों नहीं देंगे? और ये क्या BJP या RSS वाले या कांग्रेस वाले मनमर्जी करेंगे क्या? भारत के आदिवासियों को उनका धार्मिक आज़ादी नहीं देंगे? तो ऐसा अधिकार उनको नहीं है। लेकिन इसके लिए आदिवासियों को एकजुट होना पड़ेगा, अपना पार्टी और संगठन और दल बल से थोड़ा ऊपर उठना होगा, अन्यथा कल को यदि आदिवासी हिंदू बने, मुसलमान बने, ईसाई बने, तो वो अपनी जड़ों से कट जाएंगे, टूट जाएंगे, और उनका आदिवासियत जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आदिवासी सबसे ज़्यादा अगर झारखंड में देखें तो वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बुनियादी चीज़ों की जो ज़रूरत है वो पूरा नहीं मिल पा रहा है, चाहे सरकार की तरफ से हो या फिर सामाजिक रूप से हो, इस वजह से वो ईसाई धर्म में जा रहे हैं। तो एक सामाजिक रूप से भी काम करने की ज़रूरत है कि लोग सिर्फ सुविधा के लिए नहीं बल्कि अपने धर्म को बचाने के लिए भी रुके। नहीं नहीं, भारत देश में संविधान के तहत सब चीज़ चलता है, तो हम भारत के आदिवासियों के लिए भी संविधान में अनेक प्रावधान हैं, लेकिन कोई लागू नहीं होता है। यहाँ CNT SPT कानून है, रोज़ आदिवासी का जमीन लोग लूट रहे हैं। तो कानून के रहने के बावजूद आदिवासी के साथ घोर अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है। और धर्म का परिवर्तन भी, जैसे जितने अधिक आदिवासी ईसाई बन रहे हैं,
तो अपनी भाषा संस्कृति से कट रहे हैं। पर्व त्यौहार नाच गान सोच संस्कार उसका जो कुछ है वो बदल जाता है। यहाँ तक कि ईसाई बन गया तो नाम भी बदल जाता है, कोई जॉर्ज बन जाता है, कोई फ्रांसिस, तो कोई रॉबर्ट, और बहुत कुछ बातें हैं। तो आदिवासी जो है, जब भी प्रकृति का जन्म हुआ होगा, व्यक्ति या मनुष्य का भी जन्म हुआ होगा, तब से आदिवासी प्रकृति से ही हवा पानी धूप खाना दवा सब प्राप्त करता है। तो प्रकृति को ही ईश्वर मानता है, पालनहार मानता है, और इसलिए उसके जो सोच संस्कार हैं वो बिल्कुल भिन्न है। बाकी धर्म तो व्यक्ति केंद्रित है, इसको बनाया गया है, हमारा धर्म प्रकृति ही है। और आज प्रकृति पर्यावरण पर जो हमला हुआ है उसके चलते पूरा दुनिया डमाडोल हो गया है, डिसबैलेंस हो गया है। तो मुझे लगता है आदिवासियत की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए सरना धर्म कोड की मान्यता भारत देश के लगभग 15 करोड़ आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना ज़रूरी है। और इस हालत में मैं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को दोषीदार मानता हूँ। ये दोनों ने आदिवासियों को बर्बाद करने का ही काम किया है, और इसीलिए इतने वर्ष हो गए आदिवासी जहाँ था और गड्ढे में चला गया, और अभी तो बाकी लोग आदिवासी बनने की बात कर रहे हैं। कुर्मी मातो, कोई तेली, बनिया, कुमार सब आदिवासी बन जाएंगे। तो हम लोग जो असली आदिवासी हैं, हम तो फंसे के फंदे में लटक जाएंगे, और इसके लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों दोषीदार हैं। इस पे भी असर पड़ेगा क्या, ये जो कुर्मी आंदोलन बीच में शुरू हो गया, तो अब जो एक मांग पुरजोर तरीके से आप लोग उठा रहे थे सरना धर्म कोड की, तो ये जो नया लोग, जो नए धर्म के लोग इसमें जुड़ जाएंगे, तो क्या वो मांगे पीछे छूट जाएगी? नहीं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये धर्म का मामला जो है, आदिवासी जो आज ईसाई बना है, पहले वो भी सरना ही था, वो तो बाद में ईसाई बना है, या अभी जोर जबरदस्ती कुछ लोगों को हिंदू बनाया जा रहा है। तो ये सब टेम्पररी फेनोमिना है। जैसे ही सरना धर्म कोड को मान्यता मिलेगी, कोई आदिवासी हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं बनेगा, जो बना है वो भी वापस आएगा, क्योंकि इसके साथ फिर आरक्षण और बाकी जमीन का मुद्दा और लाभ का मुद्दा, रोजगार शिक्षा सब जुड़ जाएगा। जो आदिवासी धर्म बदल लेगा, मतलब वो जड़ से कट जाएगा, और इसलिए उनको दोहरी लाभ मिलना संभव नहीं है। तो ये थे सालखन मुर्मू जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंसानियत को अगर बचाना है तो हमें आदिवासियों को बचाना होगा और सरना धर्म कोड लागू करना होगा। लोकसभा चुनाव से पहले इसे पुरजोर तरीके से सामने लाया जाए, ताकि केंद्र में जो सरकार है वो हमारी मान्यताओं को दे सके। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन, और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।